मध्य प्रदेश कांग्रेस पार्टी ने अपने ट्विटर अकाउंट से एक वीडियो शेयर किया। वीडियो में कभी केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के करीबी रहे गुना के बीजेपी सांसद केपी यादव ने सिंधिया पर जोरदार हमला किया है। सांसद यादव ने सिंधिया पर वार करते हुए उन्हें मूर्ख बताया और कहा कि सिंधिया को पता नहीं कब क्या बोलना है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने शिवपुरी में एक सभा को संबोधित करते हुए कहा था कि मुझसे जाने अनजाने में जो भी गलतियां हुई हैं उसके लिए मुझे क्षमा करें। मैंने जो भी गलतियां की हैं उसके लिए मैं माफी मांगता हूं। अब सिंधिया का यूं मंच पर खड़े होकर माफी मांगना उनके पुराने साथी बीजेपी सांसद केपी यादव को रास नहीं आया। केपी यादव ने कहा कि भीड़ में कुछ लोग मूर्ख होते हैं जिन्हें यही नहीं पता होता कि मंच पर क्या बोलना है। ये खुद को बहुत बुद्धिजीवी समझते हैं पर है नहीं। केपी यादव ने कहा कि ये माफी किस बात की मांग रहे हैं। केंद्र और राज्य दोनों में भाजपा की सरकार है और गुना की जनता ने अपने मतों का प्रयोग करके भाजपा के सांसद को जिताया है। अब इनको इतना ही है तो जिस पार्टी में थे उसी में रहते और फिर चुनाव लड़ते भाजपा के प्रतिनिधि के खिलाफ। केपी यादव के इस बयान के बाद कांग्रेस पार्टी सिंधिया पर और हमलावार हो गई है। केपी यादव के बयानों का वीडियो शेयर करते हुए कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने सिंधिया पर तंज कसते हुए कहा कि गद्दारी का यही नतीजा होता है, अब महाराज घर के रहे ना घाट के। भीड़ में कुछ मूर्ख लोग भी होते हैं जिन्हें यह भी नहीं पता कि हमें मंच पे बोलना क्या है। वो समझते अपने आप को बड़ा बुद्धिजीवी हैं, लेकिन ऐसे कई मूर्ख लोग होते हैं, मैंने तो पहले खुल के भी कहा था, कि जिन्हें यही नहीं पता कि हम भारतीय जनता पार्टी में हैं और भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश में सरकार है, भारतीय जनता पार्टी का यहाँ सांसद है और भरे मन से जहाँ केंद्रीय मंत्री बैठे हैं, जहाँ और भी कई जनप्रतिनिधि बैठे हैं, वहाँ मन से चिल्ला चिल्ला के कह रहे हो कि 2019 में हमसे गलती हुई थी। मतलब उनकी बुद्धि विवेक की मैं दाद देता हूँ तो उनमें कहाँ से ये बुद्धि आती है, कहाँ से इस तरह की चीज़ें वो बोल लेते हैं, हिम्मत कहाँ से आती है कि जिसका खा रहे हो उसी की थाली में छेद कर रहे हो। जिस पार्टी ने आपको मान सम्मान दिया, जिस पार्टी में आप हो, आप भरे मन से उस पार्टी का अगर सांसद जीता है और आप ये कह रहे हो कि आपसे गलती हुई है। मध्य प्रदेश की महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के उद्देश्य से संवेदनशील मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का उपहार सभी पात्र महिलाओं को दिया गया है। इसके तहत उन्हें प्रतिमाह 1,000 रूपए दिए जाएंगे। ये राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंचाई जाएगी। योजना की प्रक्रिया बेहद सरल और निशुल्क है। योजना से जुड़ने के लिए बहनों को कहीं भटकने की आवश्यकता भी नहीं है। 10 जून को पहली किस्त बहनों के खाते में आ जाएगी, 1,000 रूपया की पहली किस्त। योजना से जुड़ी अधिक जानकारी हेल्पलाइन नंबर 07552700800 एवं वेबसाइट cmlaadlibehna.mp.gov.in पर प्राप्त की जा सकती है। बढ़ चलो लाडली बहना। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।